हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ ना, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को अभी अभी फ्रैक्चर हुआ है या फिर कुछ महीने हो चुके हैं, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ। एंड आज मैं आप लोगों के साथ अपना डाइट शेयर करूँगी कि जब मुझे फ्रैक्चर हुआ था तो मैंने क्या क्या ऐसा खाया था जो मेरी बोन के लिए बहुत फ़ायदेमंद था। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड गाइस, सबकी मतलब जो बोन जुड़ने का प्रोसेस होता है ना, वो अलग होता है। बोन हीलिंग जो प्रोसेस है ना हमारा, वो सबकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो मैं अपना बताऊंगी तो मुझे लग गए थे 6-7 महीने ठीक होने में, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी बोन नहीं जुड़ी। एंड डॉक्टर हमें जो सजेस्ट करते हैं वो बोलते हैं कि 3 मंथ्स तक आपको पैर पर वेट नहीं डालना है, तो उसी हिसाब से हमें देखना होता है। स्टार्टिंग हम वॉकर से चलते हैं, देन स्टिक पर आते हैं, धीरे धीरे सब होता है। तो पेशेंस रखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी से कुछ भी नहीं होगा, आप लोग बस ध्यान रखिए। एंड ये जो मैं वीडियोस प्ले कर रही हूँ ना, ये सारी वीडियो मेरे फ्रैक्चर के बाद की हैं। जब फ्रैक्चर के बाद मैं घूमने गई थी, आप लोग देख सकते हैं मैं बिल्कुल प्रॉपर ओके हो चुकी हूँ एंड एकदम ठीक से चल रही हूँ। एंड अभी मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लिम्पिंग मेरी प्रॉपर चली गई है। एंड मैं रनिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन बस वही है, जैसे कभी कभी हल्का फुल्का दर्द थोड़ा बहुत होता है एंकल साइड में, वो नॉर्मल है, टाइम से वो भी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अवॉइड करना है जंक फूड। आप लोग सब जानते हैं कि ये जो मैदे वाली चीज़ें होती हैं हमें बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं, हार्म पहुँचाती हैं। एंड आप लोगों को यही अवॉइड करना है। आप लोगों को पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर एंड आप लोग जो भी अपने टेस्ट के लिए खाते हो बिल्कुल भी नहीं खाना है फ्रैक्चर में, तो बिल्कुल नहीं। एंड मैंने भी यही किया था फ्रैक्चर में, बिल्कुल अवॉइड किया था इन चीज़ों को। एंड मन करता भी है ना, तो भी गाइस आप लोगों को सोचना है कि आपको पहले ठीक होना है, बाद में आप लोग कभी कभी खा सकते हो बट हमेशा नहीं। सो आप लोगों को बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, ओके। एंड तभी आपकी बोन हीलिंग जो आपका प्रोसेस है ना, वो अच्छे से होगा। एंड कई लोग होते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, तो आपको स्मोक नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे वैसे भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप लोगों को स्मोक नहीं करना है, इन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है गाइस हमारी बोन पे। तो ये जो बोन प्रोसेस होता है ना हमारा, हीलिंग प्रोसेस, ये काफ़ी लेट होता है फिर। सो अगर आप लोगों को जल्दी ठीक होना है तो आपको ये सारी फालतू की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। सो नेक्स्ट है ड्रिंक, अल्कोहल नहीं पीना है गाइस आप लोगों को। अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं पीना है, बहुत बेकार चीज़ है ये, आप लोग सब जानते ही हो। सो ये तो बिल्कुल नहीं पीना है, हमेशा अवॉइड कर। सो गाइस, अब बात करते हैं कि हमें अपने डाइट में लेना क्या है। सो गाइस, आप लोग जानते ही हैं कि हरी सब्जियाँ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, तो आपको अपनी डेली लाइफ में ना डाइट में हरी सब्जियां तो खानी है। लाइक ब्रोकली, आपको बीन्स खाने हैं, बीन्स बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए। जिन सब्जियों में विटामिन सी होता है आप लोगों को वो ज़रूर खाइए, विटामिन डी, ये सब आपको ज़रूर लेना है। आप लोग ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप इसको मतलब सुबह शाम खा सकते हो, या सुबह मॉर्निंग में खा सकते हो, रात को आप इसको पानी में भिगो दो, सुबह खाओ। एंड अभी विंटर्स हैं तो विंटर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब। तो गाइस, ये सब इनमें कैल्शियम, विटामिन बहुत ज़्यादा होता है, अच्छी मात्रा में होता है। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ हमें ग्रीन वेजेस तो खाने ही हैं, एंड उसके साथ फ्रूट्स भी खाने हैं। आप डेली एप्पल लीजिए, आप ग्रेप्स खाइए, विटामिन सी होता है इन चीज़ों में। आप खट्टे फल खाइए, जैसे कि आपका संतरा हो गया, आप ऑरेंज लीजिए। मतलब काफ़ी सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, तो हमारे बोन हील होने में भी हमारी हेल्प करता है। तो आप लोगों को ना अपनी डाइट में पनीर ज़रूर ऐड करना है डेली, वो भी आपको डेली पनीर खाना है, या तो आप मॉर्निंग में खा लीजिए या आप इवनिंग में। गाइस मैं अपना बताऊँ तो मैं इवनिंग में डेली पनीर खाती थी, ये हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छा होता है, काफ़ी चीज़ों में ये बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन आप लोगों को ये ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, तो ये आपकी बोन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और मेरी बोन इसी से जुड़ी है, मैंने ये बहुत खाया अच्छे से। सो आप पनीर ज़रूर खाइए, एंड आप मॉर्निंग में एग ले सकते हो, आपको बॉयल एग खाने हैं। सो बॉयल एग खाने का भी बहुत फ़ायदा है गाइस, अगर आप लोग नॉन वेज खाते हो तो डेफ़िनेटली आपको ट्राई करना चाहिए।
मॉर्निंग में खाइए, इवनिंग में खाइए। आप लोग जानते हैं कि एग्स में भी काफ़ी अच्छे से कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, जो कि हमारी बोन के लिए बहुत अच्छा है। आप बोन सूप पी सकते हो, जिसे हम खरोड़े का सूप बोलते हैं। सो आप बोन सूप पीजिए अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मैंने तो यही सुना है, डॉक्टर्स भी हमें बोलते हैं कि आपको सर्दी में बोन सूप पीना चाहिए। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज सीनियर सिटीजन्स को ही इन चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने सुना है कि डॉक्टर उन्हें बोलते हैं। सो ये बहुत फ़ायदेमंद है, आप ट्राई कर सकते हैं। एंड गाइस, रात को खाना खाने के बाद आपको मिल्क ज़रूर पीना है, ज़रूर। आपको ये पता ही है कि मिल्क में काफ़ी प्रोटीन होता है, तो ये हमारी बॉन के लिए काफ़ी अच्छा है। सो आप दूध पीजिए, आप दही लीजिए अपनी डाइट में। ये सब जो आप खाएंगे ना, जो जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने खुद मतलब ट्राई किया है, खुद अपनी डाइट में शामिल किया है। हाँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मैंने पनीर खाया है, एंड रात को मैं मिल्क तो ज़रूर पीती थी, एंड दही भी खाया मैंने। सो आप लोग यही लीजिए। एंड जो एक ना पाउच आते हैं गाइस विटामिन डी के, मैं आप लोगों को उसकी अभी आगे फ़ोटो शेयर करूँगी, तो आप वो लीजिए। एंड उसको रात को जब आप दूध लेंगे ना, तो उसमें एक पाउच डालिए, एंड उसको हफ्ते में एक बार लेना है। इसमें गाइस विटामिन D3 होता है, जो कि हमारी बोन्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो हमें धूप से मिलता है ना विटामिन, वही आप अगर ये पियेंगे ना, तो आपको धूप में बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये वाली जो स्मॉल बॉटल्स आती हैं, ये भी विटामिन D3 की है, ये भी आप ले सकते हो। ये भी आपको वीक में एक बार लेनी है। इसमें गाइस 4 बॉटल्स होती हैं, जो कि आपको हर वीक लेनी है। जैसे आपने इस हफ्ते ली, तो एक हफ़्ता छोड़ के आपको फिर दूसरी बॉटल लेनी है। मतलब इसमें कोई पानी वानी नहीं डालना है, ऐसे ही आपको पी लेनी है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने आप लोगों के साथ अपना डाइट शेयर किया, जो मैंने अपने फ्रैक्चर के टाइम पर चीज़ें खाई थी, जो मैंने डाइट ली थी, मैंने आप लोगों के साथ वही शेयर किया है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।